तो गाइस आज मुझे बनना है लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा टॉलेस्ट हल्क। पर ये देखो यार, अभी थोड़ी सी है ना गड़बड़ हो गई। टॉलेस्ट बनने के चक्कर में मैं तो यार सबसे ज्यादा स्किनीएस्ट भी बन गया। पर कोई बात नहीं गाइस, फिर भी मेरी 6 फुट हाइट है। और यहाँ पे देखो सामने यार इतने सारे है ना गॉड ओपी टाइटन हल्क्स खड़े, इनकी तो हाइट यार 6,000 फुट है। ये कीड़े फ्रैंकलिन, 6 फुट हाइट होने का तो क्या घमंड कर रहा है? हमारे जैसी हाइट बना तो माने तुझे हम कुछ। अरे बना लूंगा ना तुम्हारे जैसी हाइट भी बना लूंगा। तुम्हारी तो 6,000 फुट हाइट है, मेरे को भी 6,000 फुट हाइट करनी है। हाँ कीड़े, सिर्फ तुझे अकेले को नहीं, यहाँ पे देख बहुत सारे जनों को 6,000 फुट हाइट करनी है अपनी। अरे किस किस को करनी है? अरे ये सारे 1.5 फुट है यहाँ पे क्यों आ गए यार? इन लोगों से थोड़ी कुछ होगा, इन लोगों की तो बहुत कम हाइट है। गाइस यार देखो, बेबी छोटा भीम, बेबी क्रिश, बेबी शिवा। ये बेबी शिवानी। अरे मैं तो बेबी कीको। अरे हाँ हाँ वही वही, बेबी कीको, लिटिल सिंगम, शिवा और सारे बेबी आ गए। इन लोगों की क्या हाइट बढ़ेगी यार, इन लोगों से ज्यादा लंबा तो मैं हूँ। अरे पर तू कितना पतला है। अरे भले पतला हूँ, पतला होने से क्या हो गया गाइस? यार मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ना। आई फ्रैंकलिन पुत्र, क्या हो गया जी तुझे? अरे दद्दू हल क्या बताओ यार, अभी थोड़ा टाइम मुश्किल हो गया यार। मेरे पास है ना इनफ पैसे ही नहीं खाना पीना खाने के लिए, थोड़ा वजन गिर गया है मेरा। आई पुत्र जी कोई बात नहीं, तो चलो यार मैं तुम्हें यार सबसे पहले ये गेम के बारे में बता देता हूँ। तुम सब यहाँ पे आए हो क्योंकि तुम्हें अपनी हाइट बढ़ा के टॉलेस्ट बनना है। हाँ हाँ बनना है, बनना है, टॉलेस्ट बनना है। तो पुत्र जी तुम सबको उसके लिए अपना ये टॉल मीटर भरना पड़ेगा। क्या ये टॉल मीटर भरना पड़ेगा? गाइस जी देखो, हम लोगों को है ना हमारा टॉल मीटर भरना पड़ेगा। जिसने भी टॉल मीटर सबसे पहले भर लिया सबसे ज्यादा टॉलेस्ट बन जाएगा। सही बोला दत्तुअल। और पुत्र जी फ्रैंकलिन, तुमने अपना टॉल मीटर बढ़ाना हो बढ़ाओ, तुमने अपना है ना दिमाग का मीटर तो भर ही दिया है। और पुत्र जी पर यार ये वाला टेस्ट हम चालू करें, उससे पहले मैं तुम सब लोगों का एक टेस्ट देना चाहूंगा। अरे क्या टेस्ट लेना चाहूंगा? सबसे पहले बताओ कौन सबसे ज्यादा टॉलेस्ट होना चाहता है, उसको ये टेस्ट देनी पड़ेगी। अरे पर कुछ डिटेल तो बताओ। आए पुत्र जी कुछ डिटेल नहीं मिलेगी, सारे टाइटन गॉड ने इकट्ठा करके ये है ना टेस्ट रखा है तुम्हारे लिए। बताओ कौन सबसे पहले टॉल बनने का अपॉर्चुनिटी चाहता है? और भीम की शक्ति को तो कोई जल्दी नहीं है, मेरे को टेस्ट नहीं देना। अला मेरे को भी टेस्ट नहीं देना, मेरे को सिर्फ टॉल होना है। किको को भी टेस्ट नहीं देना, अरे शिवा को भी टेस्ट नहीं देना। और लिटिल सिंगम ने तो पुलिस का टेस्ट दिया, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं देगा वो। और बल्ले बल्ले को भी टेस्ट नहीं देना। आए पुत्र जी फ्रैंकलिन, मतलब सिर्फ तुम ही बचे हो आज, सबसे पहले तुम अपना मीटर भरने का मौका तुम्हें मिल रहा है। हाँ हाँ गाइस देखो यार, हमेशा तो मेरे को लास्ट जाने का मौका मिलता है, पर आज देखो यार यहाँ पे टेस्ट देने की बारी आई तो सब जन पीछे हट गए। गाइस ऐसे मोमेंट में मैं हमेशा अपने आप आगे कैसे आ जाता हूँ? चलो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे जाना पड़ेगा। आए पुत्र जी तो आज देखो तुम्हें मौका मिल रहा है अपना टॉल मीटर सबसे पहले फुलफिल करने का। ये फ्रैंकलिन कीड़ा तो कभी भी नहीं कर पाएगा, फ्रैंकलिन कीड़ा तो सबसे ज्यादा कमजोर है। अरे हाँ फ्रैंकलिन कीड़ा सबसे कमजोर है, अरे मेरे को तो पूरा भरोसा है फ्रैंकलिन तो खुद को टॉल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल टॉल नहीं कर पाएगा। गाइस ये देखो यार, ये सारे टाइटन गॉड्स है ना 6,000 फुट हाइट लेके बैठे और मेरा मजाक उड़ाते रहते, पर मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरे पे पूरा भरोसा है, तुम लोग मेरे साथ सपोर्ट में हो जिससे मैं टॉलेस्ट फ्रैंकलिन बन जाओ। तो गाइस देखो यार, मेरे को सिर्फ टॉलेस्ट फ्रैंकलिन नहीं टॉलेस्ट हल्क बनना है। तो यार तुम वीडियो को लाइक कर देना ठीक है, टेस्ट चालू होने से पहले। ठीक है दद्दू हल्क बताओ क्या टेस्ट है? आए पुत्र जी देखो, अगर तुम्हें अपना टॉल मीटर भरना है तो तुम्हें मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा कि यार दुनिया का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है। टॉलेस्ट माउंटेन मेरे को क्या पता, माउंट चिलियड होगा ना, माउंट चिलियड। ये देखो यहाँ पे। आए पुत्र जी माउंट चिलियड तो लॉस सैंटोस का टॉलेस्ट माउंटेन है, थोड़ा सोच के अगला जवाब देना वरना मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। नहीं 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 गाइस रुको यार, मुझे तुम लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। चलो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ना लॉस सैंटोस का टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, क्योंकि अगर तुम लोग मुझे वो बताओगे नहीं तो मैं दद्दू वाले को कैसे बताऊंगा। और मैंने क्या बोला, लॉस सैंटोस का टॉलेस्ट माउंटेन? नहीं 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 मैंने गड़बड़ कर दी, दुनिया का सबसे ज्यादा टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा, क्योंकि लॉस सैंटोस का जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो तो मुझे पता है माउंट चिलियड है, पर पूरे अर्थ का कौन सा है मुझे पता नहीं यार। मैं तो है ना लॉस सैंटोस के अलावा कहीं गया नहीं हूं। तो तुम लोगों को पता होगा ना, जीके में पढ़ा होगा कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, जल्दी से मुझे बताओ यार। आए पुत्र जी इतना टाइम नहीं है, जल्दी जवाब दो यार, हमको पनवेल भी निकलना है। अरे ये कीड़े को पता ही नहीं है, इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, लिटिल सिंघम को अपग्रेड कराओ। अरे हाँ लिटिल सिंघम को अपग्रेड करो, और लिटिल सिंघम के साथ साथ मुझे भी अपग्रेड करवा दो। अरे ये गाइस देखो, ये सब जन लिटिल सिंघम के चमचे यार। तो सारे टाइटन गॉड्स तुम लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ये देखो दद्दूअल कमेंट आने लग गई, ठंड लग जाओ, बता रहा हूँ ना बता रहा हूँ। देखो यार किसी ने कमेंट किया, राज गेमर ने कमेंट किया, माउंट एवरेस्ट सबसे ज्यादा टॉलेस्ट माउंटेन है, उसकी हाइट 8848 मीटर है। वाह यार राज गेमर तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है यार, मैं इतना स्मार्ट क्यों नहीं हूँ। चलो रुको और कोई देखने दो। और यहाँ पे देखो रहना, फ्री फायर लवर ने भी सेम चीज कमेंट करी कि माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट माउंटेन है। अब तुम सब मेरे से झूठ तो बोलोगे नहीं, चलो दद्दूअल को आंसर देता हूँ। दद्दूअल देखो यार, लॉस सैंटोस का टॉलेस्ट माउंटेन माउंट चिलियड है। आए पुत्र जी लॉस सैंटोस का नहीं पूछा मैंने, हाँ 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 आई मीन दुनिया का सबसे ज्यादा टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट।
ओए पुत्र जी, आंसर तो तुमने लोगों से पूछ के सही दे दिया। हाँ, ये कीड़ा हमेशा चीटिंग करता है। हाँ हाँ, ये हमेशा चीटिंग करता है, पर कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, अपना टॉल मीटर तो नहीं भर पाएगा। देखो तो सर कितना ज्यादा बुद्धू है ये। अरे कोई बुद्धू नहीं है, चलो अब दद्दू अल्क मुझे बताओ तो सर टॉल मीटर भरना कैसे। ओए पुत्र जी, हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, यहाँ पे तुम देख रहे हो बड़ी सी ट्यूब। अरे हाँ देख तो रहा हूँ ना। ओए पुत्र जी देखो, अगर तुम्हें अपना टॉल मीटर भरना है तो तुम्हें सबसे पहले ये जायंट टॉल ट्यूब में जाना पड़ेगा। अरे इससे क्या होगा। ओए पुत्र जी देखो, जैसे तुम ये ट्यूब के अंदर गिरोगे वैसे वैसे धीमे धीमे तुम्हारा टॉल मीटर बढ़ने लगेगा। अरे वाह, ये कैसा कैसा जुम 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 हो रहा है, ये तो देखो गाइस, इसमें तो कितनी ज्यादा मजा आ रही हो। ओए पुत्र जी फिर देखो, तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें सारे ऑब्स्टेकल से बचते बचते नीचे जाना है, और उसके बाद अगर तुमने है ना ये वाले टारगेट के बीचों बीच लैंडिंग कर दी तो तुम्हारा टॉल मीटर पूरा भर जाएगा और यार तुम एकदम लॉस सेंटोस के टॉलेस्ट ग्रीन हल्क बन जाओगे। अरे वाह 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 गाइस, ये देखो ये वाली ट्यूब तो मुझे सबसे अच्छी लग रही है। ठीक है समझ गया, ये तो कोई बहुत मुश्किल टास्क है नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ ये ट्यूब के नीचे जाना और नीचे गिरना है। ए कीड़े देख लेना, तू तो ये कर ही नहीं पाएगा। अरे कर लूंगा कर लूंगा। ओए पुत्र जी देखते यार कर पाते हो कि नहीं। तो गाइस देखो यार, तुम लोग चाहते हो ना कि मैं टॉलेस्ट फ्रैंकलिन हल्क बन जाऊं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में यार टॉल लिख देना। तो चलो गाइस चलते हैं। वूहू, ये देखो मैं गया। अरे ये क्या हो गया। ओए पुत्र जी देखो, तुमने तो अभी से गड़बड़ कर दी, यहाँ पे दीवारों पे ठुकने लग गए। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा उल्ट पुल्ट होता है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे खड़ा होता हूँ। गाइस मुझे तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। ओए पुत्र जी क्या हो गया, घंटी बज गई क्या। अरे नहीं घंटी नहीं बजी है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ यार। ओए पुत्र जी खड़े हो यार। अरे ये क्या हो गया, मैं तो स्लीपो के नीचे चला गया। अरे 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 अरे, जा रहा हूँ कोई बात नहीं। आउच आउच आउच, कहाँ पे थड़ा गया। गाइस वो टारगेट पे गिरना है बस मुझे। आया फिर से यहाँ पे आके गिर गया। गाइस बहुत खून निकल गया, ऐसे शरीर में बहुत ज्यादा जान नहीं बची थी यार। अरे फिर से फेंका गया। ओए ये क्या हो रहा है। चलो चलो कोई बात नहीं गाइस, मुझे बस खुद को कंट्रोल करना है, वो उस पे लैंड करना है। नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या हो गया यार, मैं तो यहाँ पे नीचे गिर गया। हे कीड़े, तुझे तो बोला ही था तू 6 फुटिया था, 6 फुट से भी ज्यादा छोटा हो जाएगा क्योंकि तेरे पैर की हड्डियां टूट गई है। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ इतना पतला दुबला कमजोर सा फ्रैंकलिन था, तेरे से कुछ नहीं होगा। हाँ अभी देख दूसरे सारे जन कितनी आसानी से अपग्रेड हो जाते। अरे नहीं ऐसा मत बोलो यार, वो भी अपग्रेड नहीं हो पाएंगे, ये ट्यूब से गिरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कीड़े सिर्फ ट्यूब से नीचे गिरना था, वो भी नहीं हो पा रहा तेरे से, तू तो अब पक्का गया। अरे होगा रे, बल्ले बल्ले फ्रैंकलिन की बल्ले बल्ले, पायला को देखो, ये फ्रैंकलिन भैया को तो मैं बताता हूँ कैसे करते। ये देखो ये ट्यूब के अंदर जाना है तुम्हें, और यहाँ पे सबसे पहले तुरंत दीवारों से नहीं थोड़ा ना समझ के फ्रैंकलिन बल्ले बल्ले वाले मैन की बात सुनो। अरे गाइस ये फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले तो बढ़िया काम कर रहा है। अरे देखो ये भी अथड़ा गया। अरे पर ये मेरी तरह अटका नहीं गाइस, अरे ये कैसे कर रहा है बल्ले बल्ले। ओह माय गॉड गाइस, ओए ये देखो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, अब टाइटन गॉड जैसा 6000 फुट का नहीं बना पर 10000 फुट का तो मैं हो ही गया हूं यार। अरे हां यार ये देखो, ये तो कितना ज्यादा लंबा हो गया है गाइस। ये देखो टाइटन गॉड जितना लंबा नहीं हो पाया पर फ्लाइंग जेट इससे तो लंबा हो गया। ओए मैं तो मेरा मीटर और भी बढ़ा लूंगा। फ्रैंकली टिड्डी तेरा क्या हुआ, तेरी तो हाइट और भी छोटी हो गई। गाइस ये देखो बल्ले बल्ले तो इतना लंबा और जायंट हो गया है। अरे हुड़ हुड़ दबाऊंगा, मेरी बारी है, मैं जाऊंगा दद्दू हल्क क्या दूर से पाए लागू मेरे को, तो यार ऐसे तो ऐसे कर दूंगा मैं फ्रैंकलिन भैया से लंबा तौड़ा हो जाऊंगा मैं। अरे गाइस ये देखो यार, लिटिल सिंघम भी यहाँ पे जा रहा है। ओए इसका तो पैर फिसल गया। अरे नहीं नहीं ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी, फ्रैंकलिन पैर नहीं फिसला है मेरा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अरे गाइस ये देखो लिटिल सिंघम भी मेरी तरह अटक गया। अरे कोई बात नहीं, अटक गए तो क्या हो गया, ये देखो मैं तो यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ और मैं तो यहाँ पे 2 पैर के बल गिरूंगा नीचे। अरे 2 पैर के बल गिरना क्या होता है। अरे गाइस ये लिटिल सिंघम क्या स्ट्रेटेजी वापर रहा है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अरे फ्रैंकलिन हुड हुड दबंग की स्ट्रेटेजी है, तू नहीं समझेगा, ये देख मैं सब जगह अथड़ाता अथड़ाता भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से जा रहा हूँ, और ये देखो एकदम बीचो बीच लैंडिंग। ओहो ये देखो मैं तो ब्लू जायंट लिटिल सिंघम बन चुका हूँ, 3 हेड विंग्स वाला, अब तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन गया हूँ, सबसे ज्यादा लंबी हाइट वाला। गाइस ये देखो लिटिल सिंघम भी लंबा हो गया, फ्लाइंग जेट बल्ले बल्ले भी लंबा हो गया, ये दोनों टिड्डी टिड्डी से थे यार, अब ये लोग मेरे से भी ज्यादा लंबे हो गए यार, ये देखो तो सरी। गाइस ये देखो यार, 1 सेकंड ये क्या हो गया। अरे कीड़े बोला था ना तेरी हड्डियां टूट गई है तो और छोटा हो गया। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता गाइस, मैं तो और भी ज्यादा टाइनी हो गया, ये देखो मैं तो लिटिल सिंघम के चश्मे से भी ज्यादा छोटा, उसके घुटनों में भी नहीं आऊंगा। कीड़े तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, तेरा हाइट मीटर तो देख माइनस में चला गया। नहीं 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 नहीं, अरे फ्रैंकलिन अभी तो देख भीम की शक्ति धूम मचाएगी, सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, छोटा भीम छोटा भीम। अरे ये छोटा भीम तो देखो यार गाइस यहाँ पे उड़ पड़ा, यहाँ पे देखो यार भीम की शक्ति तो बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है। अरे ये क्या हो गया, ये भी गिर गया। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, मैं टुनटुन मौसी के एक्स्ट्रा लड्डू खा के आया हूँ,
थोड़े मुझे हटर पटर पड़ेंगे ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओहो हो हो, मेरे को तो उल्टा मजा आ रहा है। यहाँ पे है ना मेरी कमर दब रही है यहाँ पे इससे। अरे गाइस यार, ये लोग है ना कैसे पता नहीं यार अथड़ा नहीं रहे सब चीजों से। ओए फ्रैंकलिन पुत्तर यार, ये लोग है ना चीजों से अथड़ा नहीं रहे क्योंकि ये साइड में से नीचे उतर रहे, तो बीचों बीच में से उतर रहे, यही तो तेरी गलती थी। अरे तो एक भीम की शक्ति ने धूम मचा दी ना, फ्रैंकलिन किधर छुप रहा है तो मुझे दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा सा। अरे तो ये रहा ये रहा, इधर आ, तेरे को गोदी में उठा। अरे अरे भीम भैया छोड़ दो यार, तुम्हारे कच्चे के अंदर घुस गया हूं मैं तो। गाइस ये देखो भीम के हाथ में तो मैं तो है ना पूरा इतना ज्यादा छोटा लग रहा हूं अजीब सा। अरे चल ठीक है यार, तेरे को छोड़ दिया छोटू। बाप रे कहां पे गया ये देखो गाइस यार, ये भीम और ये सब जन अपग्रेड हो रहे। यार मैं बाद में जाता ना, ये बार तो मेरे को पता चल जाता कि है ना साइड साइड में से जाना था, पर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अरे मुझे भी लंबा होना है चीको भाई, अपने भी लंबे हो जाएंगे। चलो जाता हूं। गाइस ये देखो यार, ये छोटा सा शिवा यहां पे जा रहा है। यार ये भी खुद के अपग्रेड हो जाएगा। ये देखो ये भी स्ट्रेटजी लगा रहा है, ये भी साइड में जा रहा है। पॉपरे थोड़ी ज्यादा स्पीड से नहीं आ रहा। अरे मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लंबा होने की, टॉलेस्ट शिवा बनूंगा मैं तो। ओ मेरी फैमिली का टॉलेस्ट शिवा, ओ बल्ले बल्ले शावा शावा टॉलेस्ट शिवा। ओ ये देखो मैं तो गोल गोल रानी, जीता जीता पानी। और ये देखो पीछे पीच लैंडिंग करी। अरे नहीं है, क्या हो गया, मैं तो लैंडिंग नहीं कर पाया। टाइटन गॉड प्लीज। ओ गाइस ये देखो शिवा भी है ना यहाँ पे टारगेट भी लैंडिंग नहीं करवाया, मतलब इसकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। बल्ले बल्ले। अरे नहीं टाइटन गॉड प्लीज। अरे ये तो मेरा प्यारा कीड़ा है, ये ऑलमोस्ट लैंडिंग कर ही लिया था, पर इसने जंप तो ढंग से किया था ना। ठीक है कोई बात नहीं शिवा बेटा, ये लेता था तू, मैं तेरा मीटर भर देता हूँ। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। गाइस ये देखो यार, ये शिवा तो कितना ज्यादा लंबा हो गया, इसकी तो पूरी बॉडी जुटर जुटर हो रही है। अरे पहले जुटर जुटर हो रही है, पर देखो मेरी हाइट तो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, सबसे ज्यादा लंबा बन चुका हूं मैं तो, 3-headed सबसे टॉलेस्ट शिवा, क्योंकि यार मेरे को है ना वरदान मिला डायरेक्ट टाइटन गॉड से। अरे टाइटन गॉड मुझे क्यों वरदान नहीं दिया, आपने सिर्फ शिवा के बच्चे को वरदान दिया। तो देखो इसकी हाइट तो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ओ माय गॉड ये देखो यार, ये तो भीम और इससे भी ज्यादा लंबा हो गया। अरे देखो सबसे छोटा था ना, अब मैं सबसे ज्यादा बड़ा हो गया। ओ बल्ले बल्ले हो गई, मेरे को तो बहुत मजा आ रही है, मेरी हाइट तो देखो तो इन लोगों से डबल है। ये टाइटन गॉड चाहते तो मुझे भी वरदान दे सकते थे। अरे मैं तो चाहता ही नहीं था तुझे वरदान देना। गाइस चीटिंग हुई है ना मेरे साथ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में चीटिंग हुई है लिखो। कोई नहीं लिखेगा चीटिंग हुई है, क्योंकि कोई चीटिंग नहीं हुई है। चल बेटा शिवा तेरे को तो अपग्रेड मिल गया ना, कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कीको भाई, आ जाओ तुम भी मेरे जैसे लंबे हो जाना। ओहो गाइस ये देखो यार, यहाँ पे अभी कीको आ रहा है, वो भी है ना मिस कर दे लैंडिंग जोन तो मजा आ जाए। भले इसको भी टाइटन गॉड मुझे पता अपग्रेड कर ही देंगे, बट एटलीस्ट खुद से अपग्रेड होने का सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, कीको तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो तो खुद ही अपग्रेड हो जाएगा। ये देखो कैसे मस्त उधर टारगेट के ऊपर ही आ रहा है। अरे नहीं गिर जा बाहर। अरे नहीं ये तो एकदम बीचों। गाइस ये देखो यार, ये कीको भी है ना शिवा के जैसा अपग्रेड हो गया। अरे भीम की शक्ति से भी ज्यादा धूम तो ये कीको और शिवा ने बजा दी। ये देखो इनकी साइज तो कितनी ज्यादा लंबी हो चुकी है। अरे हाँ गाइस बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है यार, ये देखो कितना ज्यादा गलत हुआ मेरे साथ तो। हे कीड़े खुद ढंग से लैंडिंग नहीं करी और हमारे को दोष दे रहा। अब क्या ही बोलूं गाइस यार, मैंने भी गड़बड़ कर दी तो क्या ही बोलूं यार, मैं ढंग से लैंडिंग कर देता तो सारे टाइटन गॉड्स चुप हो जाते। पर कोई बात नहीं यार, अभी देखो अभी तो सिर्फ ने कृष बाकी है। आइला फ्रैंकलिन सही बोला तू यार, टाइटन गॉड को क्यों दोष दे रहा है, तूने ढंग से लैंडिंग नहीं करी उसमें टाइटन गॉड की क्या गलती है। गाइस बात तो सही यार, देखो यार पर टाइटन गॉड चाहते तो मुझे अपग्रेड कर सकते थे, ये बात तो है यार। शिवा को कर ही दिया ना, मेरे को प्यार ही नहीं करते वो इसके लिए। कीड़े ज्यादा जबान मत चला, अभी देख ये देख रिश कितना बढ़िया से लैंडिंग कर रहा है यहाँ पे, कितना फटाफट जा रहा है, ये भी लिटिल सिंघम की तरह उड़ उड़ दबंग लैंडिंग कर रहा है। अरे हाँ गाइस ये देखो क्रिश तो खड़े खड़े कर रहा है। आइला ये देखो मैं तो यहाँ पे गिरा भी नहीं और 5 नंबर पे आ गया। आइला फ्रैंकलिन ये देख मैं भी अपग्रेड हो गया। दिल भरा। गाना मत गा यार। गाइस ये देखो सब जन अपग्रेड हो गए। फ्रैंकलिन कीड़े देखते अलावा सब जन अपग्रेड हो गए। हाँ टाइटन गॉड मुझे पता यार, यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई, सियाप्पा हो गया, ये सब जन इतने ज्यादा अपग्रेड हो गए। टाइटन गॉड प्लीज मुझे एक और मौका दे दो मेरे को मेरा मीटर भरने का, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे कीड़े तो इतने सारे जन अपग्रेड हो गए, हमारे पास अभी कम पावर बाकी है, देखो है ना सबसे ज्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे। अरे सबसे ज्यादा लंबा नहीं तो थोड़ा लंबा तो कर दोगे, कब तक ऐसा मैं कमजोर सा घूमूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज। कीड़े देखो एक चीज कर सकते हैं, अगर सब जन वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखेंगे तो हम फ्रैंकलिन की मदद करेंगे। अरे हाँ अगर प्लीज लिखा तो ही मदद करेंगे और फ्रैंकलिन को एक और मौका देंगे, वरना नहीं देंगे। अरे हाँ आई अग्री टू। ओए पुत्तर जी देखो यार, अगर तुम लोग फ्रैंकलिन पुत्तर की मदद करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दो। गाइस देखो यार तुमसे ज्यादा थोड़ी मांगता हूँ, सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ, लाइक करना बिल्कुल फ्री है यार, क्योंकि लाइक करने के पैसे नहीं लगते, सिर्फ एक बटन दबा के लाइक हो जाएगा और टाइटन गॉड मेरे लिए अग्री हो जाएंगे। और तो यार उसके साथ साथ तुम लोगों को कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखना, लिख दो टाइटन गॉड देखो प्लीज आने भी लग गए। गाइस ये देखो फोन भी ढंग से हाथ में नहीं पकड़ पा रहा, मेरे सर जितना बड़ा
हो गया फोन यार। आए पुत्र जी, हाँ लिख दो यार। देखो यार कितने सारे जनों ने वीडियो को लाइक किया और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्लीज भी आ रहे। अरे हाँ कीड़े, काफी जनों ने वीडियो को लाइक किया और कमेंट सेक्शन में प्लीज आ रहे। चल ठीक है, दिया तुझे एक और मौका, चल कूद। पर अगर ये बार मिस कर दिया ना तो तुझे एकदम टाइनी कर देंगे। अरे नहीं 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 करूंगा, मेरे को अब स्ट्रेटेजी पता है कि यहाँ पे साइड में से जाना है और यहाँ पे साइड में से अथड़ाते अथड़ाते तुम नीचे गिर जाओगे। आए पुत्र जी बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हो, ऐसे मत करो। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो मुझे अभी भी टारगेट दिख रहा है। गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, हाँ गाइस गिर जाऊंगा, उसके ऊपर गिर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा साइड में गिर गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये देखो ओए आइया। अरे हाँ हाँ गाइस, हो गया हो गया हो गया। और ये देखो ओए गाइस, ये देखो ये क्या हो गया। आए पत्थर जी देखो, तुम्हारा टॉल मीटर थोड़ा सा तो बढ़ गया और तुम्हें ग्रीन हल्क में भी अपग्रेड हो गए। अरे हाँ टाइटन ग्रीन गॉड, देखो मैं तो तुम्हारी फैमिली में आ गया ना, ग्रीन कलर क्या हो गया। हाँ कीड़े, अब तुम मेरी फैमिली में आ गया है, मुझे ही तेरी मदद करनी पड़ेगी यार ये भरने के लिए। अरे हाँ मुझे ही मदद करनी पड़ेगी यार मेरा टॉल मीटर भरने के लिए। देखो लिटिल सिंघम, अभी देखो एपिसोड के एंड में मिलते, अगर मैं तुम लोगों से जब ज्यादा लंबा हो गया ना तो मैं तुमको दिखाऊंगा। अरे कीड़े, इतना हमारे बच्चों से कभी लंबा नहीं हो पाएगा। हाँ देखते ना, ये देखो ये शिवा है ना रेड टाइटन गॉड की फैमिली का है, ये कीको है ना ब्लैक टाइटन गॉड की फैमिली का है, भीम ऑरेंज गॉड की फैमिली का है, ये दोनों ब्लू फैमिली में और ये भी ब्लैक फैमिली में, और मैं ग्रीन फैमिली में हूँ। देखते हैं ना कि कौन सा ज्यादा टॉलेस्ट हो पाता है। अभी देखो मेरे पास टाइम है मेरे मीटर को भरने के लिए। चलो गाइस देखो, लॉस सेंटोस में भी बहुत सारे तरीके यार मीटर को भरने के लिए, है ना टाइटन गॉड, सही बोला ना। अरे हाँ कीड़े बिल्कुल सही बोला, मैं भी मदद करूंगा तेरी, ग्रीन दद्दू हल्क भी तेरी मदद करेंगे, दद्दू हल्क भी मेरी टीम में। दद्दू हल्क मुझे बताओ यार कैसे मदद कर सकते हो तुम मेरी। और पुत्र जी देखो यार, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी हाइट बढ़े तो तुम्हें पता है हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है दद्दू हल्क। और पुत्र जी दूध पीना पड़ता है, दूध। और दूध कहाँ से आता है पता है? पता नहीं, मुझे गाय देती है दूध तो। आए पत्थर जी बिल्कुल सही बोला, तो तुम्हें जाके लॉस सैंटोस की बहुत सारी भैंसों और गायों का दूध पीना पड़ेगा, उससे तुम्हारा टॉल मीटर बढ़ जाएगा। अरे भैंसों और गायों को अभी ढूंढने किधर बैठूं मैं यार। आए पत्थर जी देखो, मुझे खबर मिली है कि बहुत सारी भैंसों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जाओ और उसके कॉन्वॉय को रोकने का तरीका ढूंढो और उनका सारा दूध पी लो, जिससे तुम टॉल हो जाओगे दूध से। ओ गाइस देखो बात तो सही है, देखो तुमको भी अगर एकदम टॉलेस्ट बच्चा बनना है ना तो तुम्हें भी बहुत सारा मम्मी की बात मान के दूध पीना है। मैंने बचपन में कम दूध पिया, इसके लिए देखा ना मेरी हाइट कितनी कम रह गई थी, इसके लिए भी मैं जा रहा हूँ लॉस सैंटोस की सारी गाय भैंसों का एक साथ पकड़ के दूध पीने के लिए। चलो गाइस यार मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेट्स गो यार। यहाँ पे कहाँ पे कॉन्वॉय है यार, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, लेट्स गो। गाइस ये देखो मैं पैराशूट करते करते यहाँ पर आ गया हूँ, देखो तुम्हें नीचे बहुत सारी काउस दिख रही होगी ना, इसके लिए देखो मैं यहाँ पे आया हूँ दूध पीने के लिए, बहुत ज्यादा मेरे को हाइट बढ़ानी है। पर गाइस ये देखो यार, यहाँ पे ये खेत पे मैं नहीं जा सकता यार, ये फार्म पे मैं जाऊंगा तो मेरे से बहुत सारे पैसे मांगेंगे काउस के लिए। इसके लिए देखो दद्दू हल्क ने क्या बोला था, यहाँ पे काउस का कॉन्वॉय ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मेरे को उसको जाके देखना पड़ेगा। और ये देखो ये रहा वो काउस का कॉन्वॉय, यहाँ पे कितनी सारी हल्क की बड़ी बड़ी काउस को ट्रांसपोर्ट कर रहे यार, इनके पास तो कितना सारा दूध होगा, इन सबका दूध मैं एक ही बार में पी लूं तो भाई बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। पर यार ये देखो ये तो निकलने के लिए तैयार हो। अरे सर जी गाड़ी लोड कर दी, अब जाना तो यार वरना डिलीवरी में लेट हो जाएगा। अरे हाँ मुझे पता है, सारी मेरी भैंस है, मैं ही तो ओनर हूँ, तू मेरे को धंधा करना सिखा रहा है, देख रहा है कितनी सारी मैंने मेरे खेत पे हल्की काव बांट रखी है, तेरे को बस बोल रहा हूँ ढंग से डिलीवरी करना, कोई भी बीच में रोके रुकना नहीं है, बहुत लाखों करोड़ रुपए की काव है। अरे हाँ सर जी मुझे पता है यार, यहाँ पे हम गाड़ी चोरी करने की बहुत कोशिश होती है, इसके लिए तो अपने इतना बड़ा ट्रक लिया है, कोई भी आएगा सामने में उड़ा दूंगा उसको। हाँ गाइस देखो बात तो सही यार, ये वाली काव की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसके लिए इनको चोरी भी इनकी बहुत ज्यादा होती है। पर ये देखो यार काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसने क्या बोला कि कोई सामने आया तो उड़ा दूंगा, और अभी मैं इतना टॉल नहीं हुआ हूं कि है ना इसके सामने इसको जाके रोक दो। अरे देखो मुझे पता है मुझे डिलीवरी करने कहां जाना है, शहर के बीचों बीच वाले एरिया में जाना है मुझे पता है यार, यहां पे देखो आप चिंता मत करो मैं एक्सपीरियंस ड्राइवर हूं। अरे हां हां जल्दी से बिजनेस करने के लिए जाना पड़ेगा, जा जल्दी से। ओ गाइस देखो तुमने उसकी बात सुनी कि अब ये गाड़ी काउस को ये कहां उतारने वाला है, ये तो मुझे पता चल गया। अब देखो यहां पे तो इसको हाईजैक करना बहुत महंगा डेंजरस है, पर अगर मैं इसको सिटी में कोई तरीके से हाईजैक कर लूं ना तो बहुत अच्छा कामकाज हो जाएगा। पर यार मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, देखो ये कोई भी उसके लिए रुकेगा नहीं, और अगर मैंने इसको लूटने की कोशिश करी तो बहुत सारी पुलिस आ जाएगी। एक सेकंड गाइस, मैं पुलिस का भी नाम ले रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जा रही है, ये ना यहां पे मैं अगर कोई तरीके से पुलिस का एक बड़ा सा ट्रक ले लूं तो फिर यार मैं है ना ट्रैफिक स्टॉप के नाम पे इसको है ना यहां पे सिटी के बीचों बीच यहां पे है ना डिलीवरी करना, उससे पहले ये वाले चौराहे पे मैं रोक सकता हूं देखो, और अगर मैंने इसको यहां पे रोक लिया फिर तो मैं ड्राइवर को है ना कुछ भी बुद्धू बना के उससे वो ले लूंगा, और फिर यार ये ट्रक को ले लूंगा फिर सारा दूध पी लूंगा। हाँ हाँ गाइस देखो मेरे को तो लगता है यही प्लान सही है, मुझे पुलिस की गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी जल्दी से। अरे सर जी जाने तो बस यार, मेरे को पूरा काम करना था, पता नहीं सर जी पूरे दिन पे 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 करते रहते हैं, 20 साल से मैं ट्रक चला रहा हूँ, इनका अभी भी मेरे भरोसा नहीं है। चलो हटो यार, चलो जल्दी जल्दी से डिलीवरी करने जा रहे, ज्यादा स्पीड पे थोड़ी गाड़ी भगाऊंगा जिससे जल्दी डिलीवरी हो जाए, इससे है ना मेरे को क्या फायदा होगा कि छुट्टी का टाइम मिल जाएगा ज्यादा।
अरे ये ट्रक तो यहाँ से निकल गई, जल्दी जल्दी से मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। चलो चलो गाइस पुलिस स्टेशन पहुँचता हूँ। ओके गाइस ये देखो यार मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन आ गया हूँ। यार पुलिस स्टेशन जाके तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है यार, बहुत ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पे देखो यार यहाँ पे कितनी तगड़ी सिक्योरिटी खड़ी है। ये वाला पुलिस वाला तो पूरे टाइम फोन पे लगा रहता है सब चीज कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे इन लोगों ने बैरिकेड लगा रखे। और यहाँ पे गाइस एक चीज देखो कितनी सारी पुलिस की गाड़ियां यार। यहाँ पे देखो पुलिस की बाइक है, मैं बाइक वाला पुलिस बन सकता हूँ। यहाँ पे छोटी स्वॉट की ट्रक भी है, मैं ये भी उठा सकता हूँ। यहाँ पे देखो FBI के व्हीकल्स भी है, मतलब जो अनमार्क्ड व्हीकल्स होते हैं ना जो पुलिस अंडरकवर काम के लिए यूज करती है, वो वाले भी मैं दो ले सकता हूँ। यहाँ पे देखो बड़ी शेरिफ की SUV भी है भाई, ये भी बहुत खतरनाक है। यहाँ पे पुलिस के क्रूजर्स तो है ही, और यहाँ पे देखो दो तीन वाइट गाड़ियां भी है पुरानी वाली, और देखो यहाँ पे बड़ी वाली रायट वैन भी है। मोस्ट प्रोबेबली गाइस मुझे यही चुरानी चाहिए जिससे ना मैं ढंग से काम कर पाऊँ। मेरा पुलिस वाला तो नहीं चोरी वाला, पर गाइस यहाँ से देखो आगे से तो घुसने का कोई चांस नहीं है। देखो मेरे पास एक अच्छा आइडिया आया, यहाँ पे देखो सब जगह है ना पुलिस ही पुलिस है, पर यहाँ पे पीछे के साइड है ना सिक्योरिटी थोड़ी है ना हल्की है। तो ये देखो ये ब्रिज है ना, ये पुलिस वालों की सबसे ज्यादा कमजोरी है। मैं यहाँ से अगर कुछ भी तरह से जंप करके एक बार यहाँ पे छत पे पहुंच गया, फिर छत पे है ना मैं पीछे वाले एरिया से है ना कुछ ना कुछ करके एक बार यहाँ पे पीछे उतर के एक बार ये पुलिस की गाड़ी में बैठ गया, फिर तो यार मेरे लिए काम थोड़ा तो आसान हो जाना चाहिए ना, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। चलो यार प्लान तो मेरा एकदम मुझे तगड़ा लग रहा है, मुझे यही करना चाहिए। देखो ऐसे तो मेरे लिए जंप मारना बहुत ज्यादा मुश्किल ही होना चाहिए, मेरी हाइट अच्छी खासी है तो मेरा जंप भी अच्छा। ओके गाइस देखो जहां तक मुझे जाना था मैं वहां तक तो नहीं पहुंचा, पर फिर भी मैं काफी एक अच्छी जगह पहुंच गया हूं। अभी देखो नॉर्मली मेरे को मारा काटी करनी होती तो मैं यहां से है ना यार बम फेंक के काम अपना सॉल्व कर लेता, पर मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है, मेरे को वापस से यहां से ओके यहां पे देखो मैं ना कूद के ऊपर आ गया हूं। अभी मुझे है ना थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। यहां पे देखो ये चिड़िया ये ले लेता हूं। एक सेकंड गाइस ये क्या है, ओ माय गॉड गाइस ये देखो ये क्या है भाई, ये तो पुलिस वालों ने यहां पे बैट सिग्नल लगा रखा यार, ये तो बहुत बढ़िया काम काज है यार, ये लोग है ना बैट सिग्नल वाला। रुक जाओ इसको चालू करके देखता हूं मैं चालू कर सकता हूं क्या। हां देखो गाइस लाइट तो तुम्हें दिख रही है। अरे हां वो देखो गाइस यार ऊपर बैटमैन के लिए लोगो भी आता है, अंधेरे में एकदम बढ़िया से दिखेगा। यार इसको मैं चालू ही कर देता हूं, शायद से बैटमैन आ जाए। हे जनी किसी ने मुझे बुलाया क्या? अरे तो बैटमैन की आवाज आ रही है गाइस, बैटमैन भी इधर आने वाला है, जल्दी जल्दी से भागो यार, ये बैट सिग्नल तो मैंने पहली बार देखा है। चलो चलो यार यहां पे काम हो गया। मेरे को है ना क्या करना है, यहां से जंप लगा दूं क्या नीचे? आई थिंक लगा ही देना चाहिए, इतनी लंबी लंबी टांग हुआ क्या करूंगा जब जंप भी नहीं लगा सकता। आई 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 गाइस देखो अगर मेरा टॉल मीटर थोड़ा सा भी कम होता ना तो मेरे को प्रॉब्लम होती, पर मेरे को प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मेरा टॉल मीटर काफी ज्यादा है। ये देखो यहां पे आया, जल्दी से ये वाली है ना बड़ी राइट वाली ट्रक में बैठ जाता हूं क्योंकि मुझे बहुत बड़ी ट्रक को रोकना यार। ठीक है यहां पे चलता, एक काम करता हूं सायरन चालू करता हूं। और रुको रुको कौन है इसके ट्रक के अंदर? अरे पुलिस है पुलिस यार, झगड़े दंगे हो रहे हैं मुझे उनको रोक जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, पक्का पुलिस वाले हो ना तुम? अरे हाँ वरना मैं अंदर कैसे घुसता यार? अरे बात तो सही है, जा सकते हो तुम, जा सकते हो। गाइस देखो यार इतने तो मुझे ज्यादा सोचा नहीं मुझे कहाँ जाना है। अरे ये बैट सिग्नल देखो यहाँ पे बी करके भी आ रहा है। चलो चलो कोई बात नहीं, देखो गाइस है ना मुझे ना यहाँ पे पहुंचना है, मुझे वहां जल्दी से पहुंचना है। देखो ज्यादा दूर नहीं यार, सिर्फ आधा किलोमीटर, ये नीचे मैप पे मुझे रास्ता बता भी रहा है। ओए हट जा पुलिस वाला हूं मैं, और मेरे पास ये पुलिस की गाड़ी भी है यार, इसको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। चलो चलो कोई बात नहीं जल्दी से मेरे को उसको ट्रक को वहां पे जाके रोकना पड़ेगा। अगर उसने भैंसों को डिलीवर कर दिया तो मेरा टॉलेस बनने का सपना तो धरा का धरा रह जाएगा। ये देखो यहाँ पे जाता हूँ। ओके गाइस देखो यहीं पे कहीं पे है बड़ी वाली बिल्डिंग में है ना इसकी डिलीवरी है। एक काम करता हूँ आगे चलता हूँ और यहाँ पे है ना ब्रिज के नीचे खड़ा कर रोक लूंगा उसको। हाँ ये देखो इस तरफ से है ना आने वाली होगी ट्रक, तो मैं जल्दी से है ना इसको ट्रक को ऐसे करके ऐसे लगा देता हूँ, और जैसे वो भैंस की गाड़ी दिखेगी ना तो मैं वहां पे आ जाऊंगा। ठीक है ना चलो। अरे गाइस ये देखो सामने से वो ट्रक आ रही है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे ये क्या रहा है? अरे लॉस सेंटोस पुलिस, रुको 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 रुको। अरे क्या हो गया यार, मैं तो यहाँ पे है ना गाय भैंस ट्रांसपोर्ट करता हूँ, मेरे को काहे रोक रहे हो यार तुम? अरे लॉस सेंटोस पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा, रुको। अरे क्या हुआ, मैं मेरी ट्रक के बाजू में खड़ा रहूंगा, इधर आके बात करो, असली पुलिस हो तो। अरे हाँ असली पुलिस हूँ यार, रुको तुम भागना जाओ ना, इसके लिए मैं तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? और कोई रीजन नहीं, ये देखो मेरी असली पुलिस की गाड़ी देख रहे हो ना? अरे हाँ गाड़ी तो एकदम मस्ती लग रही है, नकली गाड़ी की होगी। हाँ हाँ मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला, मेरा नाम है ऑफिसर ग्रीनहल, और मैं यहाँ पे, मेरे को खबर मिली है कि तुम यहाँ पे कुछ इलीगल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अरे नहीं साहब जी, कुछ भी इलीगल ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबको लीगली ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पीछे देखो भैंस है यार, इनके दूध से सब बच्चों की हाइट बड़ी हो जाती है, इसको हमको बेचना है यार, लाखों करोड़ों का सामान है। डिलीवरी आप लेट करवा रहे हो, लेट ना कराओ सर जी मेरी डिलीवरी। अरे नहीं 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 देखो मेरे पास वारंट है, मेरे को ये ट्रक सीज करनी पड़ेगी, मतलब मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा, तुम इसकी डिलीवरी नहीं कर सकते। अरे नहीं 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 ऐसा नहीं होने दे सकता यार, तुम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। अरे पर ऐसा ये देखो ये रहा मेरा वारंट। वारंट तो मेरे को नकली लग रहा है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है
रहे तुम नकली पुलिस वाले हो। रुको मैं फोन लगा रहा हूँ पुलिस वालों को, यानी यहाँ पे असली फोन को लगा के कहाँ गया मेरा पुलिस वालों का नंबर। हाँ ये देखो पुलिस नंबर को कॉल लगाता हूँ, 100 नंबर। अरे रुको रुको रुको, पुलिस को फोन क्यों लगा रहे हो? अरे क्या हो गया? अरे देखो यार मैं तो थोड़े से रुपए लेके तुमको छोड़ने को तैयार हूँ, तुम पुलिस को बुला लोगे फिर सबको रुपए देने पड़ेंगे। बात तो तुम्हारी एकदम सही है, ज्यादा पुलिस वालों को बुला लूंगा तो ज्यादा घूस देनी पड़ेगी। अरे गाइस क्या गड़बड़ कर दी, अगर इसने मुझे पैसे दे दी तो मुझे सच्ची में जाना पड़ेगा। मुझे पैसे थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो गाय भैंस चाहिए जिसका दूध पी सकूं। क्या गड़बड़ बोल दी मैंने, चलो कोई बात नहीं देखता। अरे पर मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि तुम असली पुलिस वाले हो। तुम असली पुलिस वाले हो, तुम्हें मुझे प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हारा बैज दिखाओ मुझे। अरे अरे तो नहीं है, अरे मैं कोई ऐसे नॉर्मल पुलिस वाला दिख रहा हूँ क्या जो बैज कैरी कर रहा? ग्रीन हल्क हूँ मैं, ग्रीन हल्क, इज्जत करो मेरी थोड़ी, स्पेशल पुलिस वाला हूँ, मेरे पास कोई बैज बैज नहीं है। गाइस ऐसे ही बोल दिया, देखते मानता है कि नहीं। बात तो सही है तुम स्पेशल पुलिस वाले हो, पर चलो ठीक है एक चीज बता दो, तुम पुलिस में हो ना? हाँ हूँ। अच्छा तो मुझे पुलिस की स्पेलिंग बताओ क्या होती है। पुलिस की स्पेलिंग, रुको रुको यार इसमें से देख के बता देता हूँ। क्या है यहाँ पे, पुलिस की स्पेलिंग तो नहीं लिखी यहाँ पे, तो एनफोर्समेंट लिखा है, यहाँ पे सिक्योरिटी लिखी है। अरे पुलिस की स्पेलिंग तो नहीं आती गाइस, जल्दी से गाइस तुम लोग मुझे पुलिस की स्पेलिंग बताओ। अरे फोन में क्या देख रहे हो, तुम्हें पुलिस की स्पेलिंग भी नहीं आती क्या? पुलिस की स्पेलिंग बताओ मुझे जल्दी से। अरे नहीं 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 सब आता है मुझे, सब आता है। अरे गाइस जल्दी से क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना कमेंट सेक्शन में पुलिस की स्पेलिंग लिखो जिससे मैं लिख सकता हूँ। मुझे पता है तुम लोगों को आती होगी, तुम तो बहुत अच्छे प्यारे पढ़े लिखे बच्चे हो, मुझे नहीं आती पुलिस की स्पेलिंग। अरे क्या बोल रहे हो, पुलिस की स्पेलिंग नहीं आती, पुलिस में कैसे गया? अरे नहीं आती आती है, बता रहा हूँ ना गाइस जल्दी करो यार, ये ड्राइवर है ना मेरे पे शक कर रहा है ये देखो। अरे मेरे को तो लगता है नकली पुलिस वाले ने मेरे को हाईजैक करने के लिए रोक लिया है, मुझे बॉस को फोन कर देना चाहिए, बॉस यहाँ पे अपने गुंडे भेज देंगे इसकी ऐसे तैसे करके, फिर मैं मेरी डिलीवरी कम्प्लीट कर दूंगा। अरे नहीं 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 गाइस मेरे को, मैंने इसको जल्दी पुलिस की स्पेलिंग नहीं बताई तो लफड़ा हो जाएगा, कमेंट करो यार जल्दी जल्दी से कमेंट करो। रुको रुको कमेंट आने लग गए, अच्छे बच्चे कमेंट करे। ओए ओए इधर आ, मेरे से पुलिस की स्पेलिंग पूछा था ना, पहली बात तो मैं असली पुलिस वालों, ये घुसा खा ये देख रहा है मेरे हाथ का पंच, अरे बाबा रे मार का रहे हो, पुलिस ब्रूटैलिटी। चलो पुलिस की स्पेलिंग तो बताओ। हाँ पुलिस की स्पेलिंग होती है POLICE, पुलिस। देखा सही बोल दी ना पुलिस की स्पेलिंग मैंने, अरे ये तो सही पुलिस वाला लग रहा है, अगर मेरी डिलीवरी कम्प्लीट नहीं हुई तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाँ हाँ नौकरी से निकाल देंगे, मेरे को ये ट्रक को सीज करना है, मैं ये ट्रक को लेके जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे आके है ना केस वेस कर लेना फिर अपने बात करेंगे। अरे नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, उतरो उतरो मेरी ट्रक से उतरो। अरे ये क्या कर रहा है, अरे बाप रे इसे तो मुझे ही बाहर फेंक दिया। अरे मैं तो मेरी गायों को लेके भाग रहा हूँ, अरे अरेस्ट कर लूंगा तुम्हें, रुक जा रुक जा। अरे नहीं मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे गाइस ये देखो ये भैंसों को लेके भाग रहा है, मुझे जल्दी से इसको चेस करना पड़ेगा, रुको लॉस सैंटोस पुलिस रुक जाओ। अरे अब मैं क्यों नाटक कर रहा हूँ यार, ये तो मेरे से भाग रहा है। अरे मुझे पता ही था तुम असली पुलिस वाले नहीं हो। अरे नहीं असली पुलिस हूँ, बहुत ज्यादा जेल पड़ेगी तुझे। अरे नहीं होगी नहीं होगी, मैं तो मेरी डिलीवरी करने जा रहा हूँ। अबे रुक जा यार रुक जा, ये देखो गाइस यार ये ट्रक को भगा रहा है यार, मैं इसको ठोक भी नहीं सकता, इसको अगर ठोक दिया तो सारी है ना ये मेरी भैंसे गिर जाएगी। रुक जा गुरु रुक जा। अरे मैं तो नहीं रुकूंगा गाइस, रुको मेरे को इसको आगे से जाके ऐसे थोड़ा स्लो करवाना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो, अरे मेरी भैंसे सारी एक्सीडेंट हो गई यार। अरे कोई बात नहीं गाइस, ये देखो मुझे इसको जल्दी से ना इसमें से उतारना पड़ेगा, उतर जा। ओए तो भैंस के ऊपर मेरे ऊपर से भी इसने चला दी गाड़ी, अरे क्या पागल आदमी है। रुक जा। अरे मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, बल्ले बल्ले शावा शावा। अरे नहीं 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 गाइस ये देखो यहाँ पे दो ही भैंस गिरी यार, अभी ज्यादा भैंस उसके ऊपर ही है, मुझे इसको रोकना पड़ेगा। रुक जा भाई, ये तो कैसा पागल आदमी यार, रुको मेरे को इसको रोकना पड़ेगा। रुक जा। ये ले और ये ले, मौ। अरे गाइस देखो सारी भैंस गिर गई, अरे क्या पागल आदमी है। अरे मेरे को भागने दो यहाँ से, पुलिस पकड़ के ले जाएगी मुझे। अरे ये क्या कर रहा है, ओए बुद्धू आदमी कहाँ लेके जा रहे सारी भैंसों को, तो इसने यही छोड़ दिया। गाइस ठीक है पर कोई बात नहीं ना, यहाँ पे देखो ये है ना वो ड्राइवर भाग गया, पर मुझे ड्राइवर का थोड़ी कुछ काम था, यहाँ पे गाय है, मुझे तो गाय का ही काम था। इनको बिचारी को थोड़ी सी लग गई, पर कोई बात नहीं यार, मेरे को लाओ इधर अपना दूध पिला दो। ओ गाइस ये देखो यार ये दूध पी के मैं तो क्या खतरनाक हो गया, हमारा दूध पी के हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। गाइस ये देखो ये क्या किया मैंने, मैं तो यार यहाँ पे है ना कितना ज्यादा अपग्रेड हो गया, मेरा टॉल मीटर ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे देखो यार मैं तो 4 हेड वाला ज्यादा साइज वाला दद्दू हल्क बन चुका। हाय पत्थर जी वेरी नाइस यार, देखो यार तुम तो जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रहे हो। अरे दद्दू हल्क कभी तो और भी अपग्रेड होना है, मुझे एक जायंट बनना है, जायंट के बाद एक टाइटन बनना है। हाय पत्थर जी बनोगे जायंट भी बनोगे टाइटन भी बनोगे, तुम्हें बस यार थोड़ा सा और दूध पीने की जरूरत है। अरे हाँ यार थोड़ा सा और दूध पी लूंगा तो फिर मैं एक जायंट बन जाऊंगा, और गाइस एक बार जायंट बन गया ना तो फिर मैं छोटा बड़ा खुद को अपनी साइज को अपनी हाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाऊंगा। हाय पत्थर जी हाँ यार, और यहाँ पे देखो यार मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ पे एक फैक्ट्री है इस तरफ में ये वाले बाजार में, यहाँ पे तुम जाओ
जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी काउज मिलेगी हल्की, तुम उनका है ना वहाँ पे जाके कुछ भी तरीके से दूध पीने का ट्राई कर लो, वहाँ पे एक स्पेशल काउ है उसका एक बार में दूध पियोगे तो ही तुम अपग्रेड हो जाओगे। अरे अच्छा अच्छा समझ चुका हूँ गाइस, देखो ऐसी बात है ना कि ओके गाइस ये देखो यार मैं ये फैक्ट्री में आ गया हूँ जहाँ पे है ना स्पेशल काउस के ऊपर रिसर्च चल रही है। यहाँ पे साइंटिस्ट लोग पता नहीं कैसी कैसी काउस बना रहे जिससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिल्क बन रहा है, जिससे ना ये टॉल मीटर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। देखो कितना पॉल्यूशन हो रहा है, पर ठीक है यार मुझे तो सिर्फ मेरे मिल्क से मतलब है। यहाँ पे आगे जाता हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो कितनी सारी लाइन लग रही है। स्टॉप स्टॉप, ये सीक्रेट फैक्ट्री में जाने का अपना रीजन बताओ। अरे गाइस मुझे तो लगा था यहाँ पे 10-20 रुपए लीटर दूध मिल रहा होगा, ये क्या हो रहा है यार। रुको यहाँ पे देखने दो यहाँ पे क्या चल रहा है यार, यहाँ पे तो पूरी लाइन लग रही है एंट्री लगने की। बताओ बताओ जल्दी बताओ तुम यहाँ पे आए क्यों हो, तुमको अंदर नहीं जाने देंगे बिना आईडी बैच के। अरे सर जी मेरे को तो यहाँ पे है ना दूध टेस्ट करने के लिए बुलाया, टेस्ट करूँ मैं दूध का टेस्टर। अच्छा अच्छा दूध टेस्टिंग करने के लिए आए हो, ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। गाइस ये देखो यार ये वाले अंकल को तो अंदर जाने की परमिशन मिल गई है, अभी देखते यार नेक्स्ट अंकल को परमिशन मिलती है कि नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट आजा। अरे सर जी पायलागू यार मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सेठ जी से बात करने आया हूँ क्योंकि है ना हमारी है ना यहाँ पे डेयरी है बनासकांठा में, वहाँ पे है ना हमको आपका स्पेशल दूध बेचना है जिसको बेच के हम हमारे छोटे लोगों को बड़ा करते हैं, बहुत हमारे धंधे में मदद हो जाएगी क्योंकि मंदी आ गई है। अरे यहाँ पे अभी हम दूध बेच रहे नहीं है, अभी सिर्फ रिसर्च चल रही है, सर जी से बात नहीं कर सकते। अरे नहीं नहीं प्लीज हमको जाने दीजिए ना। अरे ये देखो पीछे क्या लिखा है, प्लीज चेक विद गार्ड बिफोर प्रोसीडिंग। मैं यहाँ पे गार्ड हूँ, मैं अंदर जाने दूंगा वही लोग अंदर जाएगा, तुम अंदर नहीं जा सकते यहाँ पे। अरे सर जी प्लीज जाने दो ना यार, डेयरी में हमारा बहुत लॉस हो रहा है। अरे तू डंडा खा के मानेगा क्या, बोल दिया ना अंदर नहीं जा सकता। अरे यार ये सर जी तो दूध ही नहीं बेचने देंगे मुझे, इनका पता नहीं इतना सारा दूध लेके कहाँ पे जाएंगे। ठीक है अरे पीछे जाओ ना गोली मार दूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, गोली वोली की बातें काहे कर रहे हो। गाइस ये देखो यार उसने ना दूध के लिए टेस्टिंग करने के लिए आया तो है ना उसको अंदर जाने दिया, और यहाँ पे दूसरे जन ने बोला कि है ना दूध बेचना है और उसके लिए उसको नहीं जाने दिया। यार ये तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है गाइस, क्या करूँ यार मुझे पता नहीं चल रहा। रुको तीसरे आदमी की बात सुन के देखता हूँ। चलो मेरी बारी आ गई है, मैं तो गाड़ी लेके आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता मैं तो यहाँ पे दूध की टेस्टिंग करने के लिए आया हूँ, टेस्टर हूँ, मुझे तो अंदर जाने ही देंगे। अरे तुम गाड़ी के अंदर क्यों बैठे हो। अरे मैं टेस्टर हूँ, टेस्टर दूध टेस्टिंग करने के लिए। अरे ठीक है टेस्टर लोगों को तो अंदर जाना अलाउड है, जाओ अंदर जाओ, पहले नंबर में चले जाओ, तुम्हारा वहाँ वेट ही हो रहा है। अरे गाइस ये देखो, ओ गाइस चलो मेरा नंबर आ गया गार्ड जी से बात करने का। गार्ड जी सुनो। अरे बोलो क्या काम है, तुम किस चीज के लिए अंदर आ रहे हो। गाइस देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बोल सकता हूँ दूध पीने के लिए आया हूँ मैं खुद को अपग्रेड करने के लिए, पर मेरे को डाउट है मेरे को अंदर जाने देंगे कि नहीं। पर यार दूसरा ऑप्शन है कि मैं ऐसा बोलूं मैं दूध को टेस्टिंग करने आया हूँ। पर गाइस अगर है ना यहाँ पे दो ही टेस्टर लोगों को बुलाया होगा तो मतलब इनको पता चल गया कि मैं दूध टेस्टिंग नहीं करने आया तो मुझे बिल्कुल ही अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। यार क्या करूं बहुत ज्यादा रिस्क है। पर गाइस देखो मेरे को तो ऐसा लगता है टेस्टिंग करने आया हूँ, वैसा ही बोलना चाहिए। सर जी मैं यहाँ पे दूध की टेस्टिंग करने आया हूँ। अरे क्या बोल रहे हो, मुझे तो खबर मिली थी दो ही टेस्टर आने वाले, दो इंसान आने वाले। अरे हाँ वो तुमको नई खबर नहीं मिली होगी, दो इंसान आने वाले और एक हल्क आने वाला है, ये हल्क की टेस्टिंग चल रही ना, हल्क का दूध है। अरे हाँ बात तो सही है, रुको मेरे आदमी से पूछने दो। अरे किसी और की खबर मिली थी क्या। अरे नहीं भैया जी खबर तो नहीं मिली, पर बात तो सही लग रही है, हल्क का दूध है तो किसी हल्क को भी बुला लिया होगा सेठ जी ने टेस्टिंग करने के लिए। गाइस मेरा काम कर चल रहा है यहाँ पे। मुझे पता नहीं यार क्या करूँ, जाने दूँ क्या इसको अंदर। अरे गाइस यार ये मुझे जाने देगा कि नहीं मुझे पता नहीं। अच्छा चलो यार तुम एक हल्को झूठ क्यों ही बोलोगे, जाओ टेस्टिंग करने के लिए जाओ, एक नंबर में चले जाओ। गाइस देखो यहाँ पे मुझे एंट्री मिल गई एक नंबर में। हाँ चलो शांति होगी, चलो यार आगे चलता हूँ और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या टेस्टिंग हो रही है, क्या गाय बन रही है, क्या चल रहा है सब कुछ। अरे गाइस देखो यार ये फैक्ट्री तो बहुत ज्यादा तगड़ी यार, ऐसी फैक्ट्री में तो क्या खतरनाक दूध बन रहा होगा। देखो यार रिफाइनरी चल रही है यहाँ पे, कैसा काला धुआं निकल रहा है। और यहाँ पे देखो ये रहे साइंटिस्ट लोग यार, ये देखो यहाँ पे कैसे गाय के साथ काम कर रहे हैं। इस पे हमने बहुत ही ज्यादा इंजेक्शन लगाया, अलग अलग सीरम लगाया, देखो चलो कोई टेस्टर आए तो इसका दूध पिला के देखे। ये देखो गाइस यार ये गायों को तो क्या क्या इंजेक्शन दे रहे, क्या क्या खिला रहे, इतनी बड़ी बड़ी चिमनियां है। यहाँ पे देखो एक और गाय है और यहाँ पे एक और गाय, मतलब यहाँ पे तीन गाय है, पर गाइस मुझे तो खबर मिली थी चार गाय, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 चार चिमनी, तो चार गाय होनी चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं यार, नंबर वन वाली गाय के पास जाता हूँ मैं। हेलो जी हेलो, मैं यहाँ पे टेस्टिंग करने आया हूँ सर जी, टेस्टर आ चुका है आपके। अरे आ जाओ जल्दी से एक काम करो, ये गाय का दूध पियो और देखो ये तुम पे क्या रिएक्शन करता है। है रिएक्शन करता है, ये मुझे लंबा नहीं कर देगा। अरे लंबा करना तो चाहिए, पर ये सारी एक्सपेरिमेंटल चीज है ना, हमको पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा। अरे गाइस यार रिस्क है ये तो, पर ठीक है कोई बात नहीं यार, करके देखते। ओके ये गाय रही, इसका दूध पी लगता हूँ। नम 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 नम, ये क्या हो गया। अरे ये तो उल्टा काम कर गया, तुम तो एक बढ़िया से लंबे चौड़े हल्क था, अभी देखो तुम तो कमजोर हो गए ये गाय का दूध पी के। ये गाय तो टेस्ट
टेस्ट में फेल हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, इस पे दूसरा कुछ करेंगे। अरे तो मेरा क्या, मैं तो छोटा हो गया, मुझे वापस से बड़ा तो करो। अरे तुम टेस्टर हो, तुमको ये रिस्क तो लेना ही पड़ता है, इसके तुम्हें पैसे दिए जाते, क्यों लाखों करोड़ों रुपए देते तुम्हें, चलो यहाँ से फुटो। अरे गाइस ये क्या हो गया यार, मेरे को तो लाखों करोड़ों रुपए भी नहीं मिले क्योंकि मैं असली का टेस्टर नहीं हूँ, और यहाँ पे तो घाटा हो गया। चलो एक काम करता हूँ, मैं ना दो नंबर वाली गाय के पास चले जाता हूँ, क्या पता इसका दूध सही हो, तो इससे मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा, फिर मेरा जो ये साइड इफेक्ट हुआ है वो चला जाएगा। चलो चलो चलता हूँ, यहाँ पे जाके बात करता हूँ। अरे यहाँ पे क्या हुआ, एक हल्क क्यों आ रहा है? हल्क तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे को तो बोला था दो नंबर की टेस्टिंग करने, एक इंसान आने वाला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे हाँ हाँ वो ऐसा ही था, पर यार वो ये हल्क को दूध बेचना है ना अपने को। अरे हाँ बात तो सही है, बेचना तो अपने को हल्क को है, तो हल्क पे टेस्टिंग होनी चाहिए ना। पर यार तुम तो एकदम कमजोर से पतले दुबले हल्क लग रहे हो, मेरे को तो लगा था जो हल्क यहाँ पे आएंगे उनके दो तीन हेड होंगे, एकदम तगड़ी दद्दू हल्क जैसी बॉडी होगी उनकी। अरे यार अब मैं तुम्हें क्या मेरे दुख बताऊं यार, गाइस इसको कौन बताए कि दो मिनट पहले तक मेरे पास इतनी तगड़ी बॉडी थी, वहाँ पे एक खराब गाय का दूध पी के मेरा सब है ना पतला दुबला हो गया, एकदम कमजोर सा हो गया मैं। अरे कोई बात नहीं यार, अभी इसको पियो तुम एकदम हट्टे कट्टे हो जाओगे। गाइस होपफुली इसको पी के मैं हट्टा कट्टा हो जाऊं, पर इसको भी पी के मैं और कमजोर हो गया ना, तो मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, देखो ट्राई करते, ये देखो नम 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 नम। अरे ये क्या हो गया, अरे मैं तो और भी छोटा हो गया। माँ ये तो देखो और भी छोटा हो गया। अरे गाय तू क्या हंस रही है, तेरी ऐसी तैसी मुझे छोटा कर दिया। माँ मैं क्या करूँ, मेरा दूध पीने के लिए मैंने थोड़ी बोला था। अरे यार आजकल की कोई भी बैच हमारी सक्सेसफुल ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे क्या ऐसी कोई भी गाय है क्या जो सक्सेसफुल हुई आज तक? अरे नहीं यार, हम कोशिश करे जा रहे हैं कि गाय के दूध को सुपर स्ट्रांग बना दे, जिससे ज्यादा जल्दी जल्दी लंबे हो, पर सिर्फ साइड इफेक्ट ही हो रहा है। अभी तक एक भी ऐसी गाय नहीं बनी है जिससे है ना हमारे को थोड़ी सी भी सक्सेस मिले। अरे दद्दूवाल के कहाँ फंसा दिया, ये देखो मैंने तो जितनी हाइट बढ़ाई थी वो भी कम होती जा रही है, यहाँ पे तो यार ऐसा कैसे चलेगा। ओए पुत्र जी यार ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मुझे नहीं पता था ये ऐसा चल रहा है। अरे अब क्या करूं मैं, दद्दू हल्क मुझे बता दो सॉरी, मेरी हाइट तो देखो ये कि नॉर्मल इंसान जितनी हो गई है, सारी बॉडी शॉडी चली गई यार, इतनी मेहनत करके वहां पे ट्रक हाईजैक करी थी, तीन गायों का दूध पिया था, और एक इंसान की जितनी हाइट हो गई। पिंकी मैं तो मेरे से पुपट हो गया। फ्रैंकलिन देख तू चीटिंग करता है ना, इसके जैसा तैसे ही होता है। अरे क्रिस चुप हो जा, दद्दू हल्क क्या करूं, तीसरी गाय का भी दूध पी के देख लू क्या, अब क्या ही बचा यार, और छोटा हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, वैसे भी कहां कोई मेरे पास सब कुछ बचा है। पत्थर जी हाँ कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है। मेरा टेस्टर कहां रह गया यार, मेरे को मेरी बीवी को घुमाने लेके जाना है, बहुत गुस्सा करती है। माँ मुझे भी ऑफ ड्यूटी जाना है, मेरी बीवी को घुमाने लेके जाना है मुझे। माँ अरे यार ये देखो यार, ये लोगों को घर जाने की जल्दी है, और यहाँ पे मेरा पूरा घर बस रहा तो नहीं था, घर खराब हो रहा है। अरे तुम्हारा टेस्टर आ गया। क्या एक इंसान टेस्टर? हाँ हाँ मुझे पता है तुम एक इंसान टेस्टर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके बदले एक हल्क आ गया। अरे ये क्या हो गया, तुम्हारा डीएनए क्यों चेंज हो गया, तुम तो यार एक अजीब से हल्क लग रहे हो। अरे हाँ यार वो मैंने तुम्हारा ये बाजू वाली गाय का दूध पिया था ना, उसके कारण रिएक्शन हो गया, नॉर्मल हल्क से मैं हल्क शार्क बन चुका हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। माँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हाँ गाय माता, तो माँ डोंट वरी, मेरे दूध से तुम ठीक हो जाओगे, पक्का प्रॉमिस करती हूँ ठीक हो जाओगे। माँ प्रॉमिस तो नहीं करती, ये साइंटिस्ट लोग बहुत गंदे गंदे इंजेक्शन देते, बहुत दुखता है। अरे साइंटिस्ट जी तुम प्रॉमिस करते हो क्या? अरे नहीं नहीं, नो प्रॉमिस मेड कैन बी मेड हियर, तुम दूध पियो, तुमको लाखों करोड़ों रुपए मिलते दूध पीने के। लाखों करोड़ों रुपए भी नहीं मिलते, दूध भी पीना पड़ेगा, चलो यार पी लेता हूँ। नम 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 नम। ये क्या हो गया गाइस, यार लंबा होने आया था, मैं तो छोटा ही होता जा रहा हूँ। अरे बात तो सही है, और देखो तुम्हारी हाइट तो मेरे से भी छोटी हो गई, और मैं तो एक इंसान हूँ। अब मैं क्या करूँ गाइस, मैं तो बर्बाद हो गया, यहाँ पे देखो यार मैं तो छोटा ही होता जा रहा हूँ यार, यहाँ पे मैं तो ये फैक्ट्री में आया था, दद्दू हल्क किधर फंसा दिया मुझे। हाय पुत्र जी यार, मेरे को पूरी 100% खबर थी यार, यहाँ पे एक गाय तो है जिसका दूध पी के हल्क की हाइट बढ़ रही है। अरे यार पर मतलब दद्दू हल्क मैंने तीन भैंस ट्राई कर ली, एक भी नहीं हुई। हाय पुत्र जी मेरे को वहाँ पे चार भैंसों की खबर मिली थी। अरे चार भैंस पर यहाँ पे तो तीन ही भैंस है, मतलब यहाँ पे कहीं पे एक और भैंस है क्या जो मुझे दिख नहीं रही? ये देखो ये नंबर 1 रही, नंबर 2 रही, नंबर 3 रही, नंबर 4 यहाँ पे कहीं पे साइड में है क्या? गाइस तुम्हें कहीं पे काऊ दिख रही है क्या जिसका मैं दूध पी सकता हूँ? मेरी आखिरी यार चांस है, यहाँ पे कहीं पे भी दिख रही है तुम्हें काऊ यार? गाइस मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ यार। रुको 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 गाइस, मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई काऊ है क्या सीक्रेट जो मुझे पता नहीं है। एक सेकंड गाइस, ये देखो यहाँ पे पीछे साइंटिस्ट खड़े। यस 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 फाइनली,
मेरे टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गए। आई एम 99% श्योर कि ये वाली गाय का दूध जो भी पिएगा वो जल्दी जल्दी लंबा हो जाएगा। अरे गाइस ये देखो, ये वाली काऊ है, इसका दूध पी के लंबे हो सकता हूँ मैं, मुझे जल्दी से इसके पास जाना पड़ेगा। चलो 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 जल्दी जाता। अरे हल्क तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो यार, अलाउड नहीं है ऐसे, बस तुम अलग अलग दूध पियोगे तुम्हें और रिएक्शन होंगे। अरे यहाँ से चल जा फट, घटिया साइंटिस्ट, मेरे को बुद्धू बना दिया, मेरी हाइट छोटी करवा दी। रुको ये वाले साइंटिस्ट को भी घुसा मारूंगा, इसने भी मेरी हाइट छोटी करवाई। अरे पर तुम टेस्टर क्यों बने अगर तुम्हें हाइट का रिस्क नहीं लेना था? अरे रिस्क मेरे को ज्यादा लंबा होने का रिस्क लेना था, ज्यादा छोटा नहीं। ये तू भी घुसा खा, सब जन बेकार है। चलो ये गाय को ही मैं लेके चलता हूँ जल्दी से। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, मेरा दूध भी खराब कर दिया तुम सब लोगों ने। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, कहाँ पे है वो वाली गाय, कहाँ पे, ये रे ये रे ये रे। अरे साइंटिस्ट जी सुनो सुनो मेरी बात सुनो। कौन क्या हो गया मुझे बताओ। अरे गाय तो चुप रहे यार, तूने भी अच्छा दूध नहीं दिया मुझे, ये तू ही घुसा का। मुझे क्यों मार रहे हो? अरे क्या हो गया मुझे बताओ। साइंटिस्ट जी प्लीज मेरी बात सुनो यार, मुझे है ना आपकी गाय का दूध पीने दो जिससे मेरी हाइट बढ़ जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। ये देखो मेरा टॉल मीटर बढ़ ही नहीं रहा, मतलब टॉल मीटर तो अभी थोड़ा बढ़ गया, पर यार मेरी तो जो बढ़ा के मैंने हाइट बढ़ाई थी सारी वापस से खत्म हो गई यार, देखो छोटा सा हो गया हूं मैं। अरे पर तुम तो मेरे टेस्टर की लिस्ट में नहीं हो, मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकता। गाइस प्लीज यार तुम लोग है ना कमेंट सेक्शन में डॉक्टर को बोलो कि मुझे दूध ट्राई करने दो। अरे नहीं नहीं मैं कमेंट सेक्शन किसी की बात नहीं मानूंगा, मेरी गाय का दूध नहीं दूंगा। गाइस ये मानने नहीं वाला है, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं, मेरे पास एक ही चारा है। अरे सॉरी, और मार डाला मुझे, मुझे गाय का दूध चाहिए। नम 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 नम। एक सेकंड गाइस ये क्या हो गया? ओए पुत्तर जी ये देखो यार, फाइनली तुम अपग्रेड हो गए, तुम्हारी साइज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम भी 1000 फीट के हो गए हो। अरे हाँ गाइस ये देखो यार, मैं एक खतरनाक जायंट हल्क बन चुका हूँ। और ये देखो यार ये एक्सपेरिमेंट वाला दूध फाइनली काम कर गया, इतने पापड़ बेले फाइनली काम हो गया। अरे ये देखो किसी ने हमारा दूध पी लिया और वो यहाँ से भाग रहा है। अरे अब तो पकड़ के बता, अब तो मैं इतना ज्यादा जायंट हो गया हूँ। पर गाइस देखो मुझे शिनचैन और सब लोगों को हराना है कॉम्पिटिशन में, उसके लिए मुझे एकदम टावर जितना लंबा होना पड़ेगा यार, टावर जितना मतलब जो टाइटन गॉड जितना लंबा होना पड़ेगा, मतलब मुझे थोड़ा सा और दूध चाहिए। दद्दूवल प्लीज यार एक और गाय का दूध पी लूंगा ना तो मैं एक टाइटन गॉड ओपी हल्क में कन्वर्ट हो जाऊंगा, 60,000 फीट ऊंचा लंबा हो जाऊंगा, मैं क्या करूं उसके लिए? ओए पुत्तर जी एक तरीका है यार, पहले तुम्हें अपने आप को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, उसके लिए तभी वो काम चलेगा। अरे डोंट वरी यार, मेरे पास खुद को बड़ा छोटा करने की पावर है। ये देखो यार इतना खतरनाक मेरे को हल्का सूट जो मिला, डोंट वरी उसकी चिंता मत करो। ओए पुत्तर जी ठीक है, तो देखो जल्दी से मेरी भेजी हुई लोकेशन पर आ जाओ, वहां पे मैं तुम्हें ना बताता हूं कि तुम कैसे और ज्यादा बड़े हो सकते हो, पर छोटे फॉर्म में आना, इतने जायंट फॉर्म में नहीं, वो काम नहीं चलेगा। हां हां गाइस देखो मुझे लगता है कि कोई रैंप चैलेंज जीतना पड़ेगा मुझे दूध के लिए, वो तो इतना तो मैं कर ही लूंगा। गाइस चलो जल्दी से करते हैं। गाइस देखो तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। और यार मैं तुम्हें एक बात बोलना भूल गया, अभी तक है ना तुमने है ना वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, चलो लेट्स गो। ओ गाइस ये देखो यार मैंने खुद को छोटा कर लिया है और मैं यहाँ पर आ गया, ये कहाँ पे बुला लिया दत्तू हल्क ने? ओए पुत्तर जी आ गए यार, कितने तगड़े लग रहे हो। अरे हाँ यार देखो मेरे जायंट फॉर्म को मैंने छोटा कर लिया, थोड़ी सी मेरी हाइट कम कर ली। अरे ये कौन चप्पू लोगों को बुला रखा है यहाँ पे? पुत्तर जी ये भी तुम्हारी तरह यार अपग्रेड होने वाले मिल्क के लिए आए हैं। अरे गाइस किसी ना किसी से कंपटीशन लगाते ही रहना पड़ता है मुझे, मेरे जिंदगी में दुख आए खत्म नहीं होता, या तो कीको शिवा इन लोगों से लड़ना पड़ता है, या तो दूसरे हल्क आ जाते। कौन कौन आया यहाँ पे? देखो ये मोटा हल्क आया है, यहाँ पे इविल हल्क आया, ये छोटा हल्क आया, और ये बलून हल्क आया। इन सब लोगों को दूध दे के क्या करोगे? मैं तो ऑलरेडी इतना लंबा हूँ, मुझे और दूध दो जिससे मैं टाइटन गॉड ग्रीन हल्क बन जाऊँ। हाँ पुत्तर जी ऐसा नहीं होता ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे तो तुम सारे ही पुत्तर हो। अरे पर मैं फेवरेट वाला हूँ ना, मुझे दे दो। हाँ पुत्तर जी नहीं ऐसा नहीं होगा, देखो यार यहाँ पे है ना पूरे ऑब्स्टिकल रैंप चैलेंज के एंड पे, यहाँ पे मैंने एक है ना खतरनाक दूध देने वाली काऊ को छुपा रखा है, उस तक पहुँचने के लिए तुम सब बच्चों को यहाँ से एक एक गाड़ी लेनी पड़ेगी, गाड़ी मतलब बाइक लेनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने KTM अरेंज करी है। उसके बाद ये KTM लेके तुम्हें यहाँ पे पहले आगे जाना है, उसके बाद ये जंप लेके ये वाली ट्यूब में घुसना है, ये वाली ट्यूब में घुस गए उसके बाद तुम्हें है ना ये सारी एलियन स्पेसशिप्स के नीचे से निकलना है और सारे टर्न पे से बच के जाना है। ध्यान रखना अगर टर्न से नीचे गिर गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद और एलियन स्पेसशिप से आगे जाते जाना है, टर्न लेते जाना है, उसके बाद जंप करके ये वाली ट्यूब में जाना है। ये वाली ट्यूब में जाने के बाद तुम्हें ये सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ से एक बहुत ज्यादा खतरनाक जंप लगा के यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। अरे गाइस ये जंप बहुत ज्यादा लंबा नहीं है? पत्थर जी है तो सही। फिर उसके बाद तुम्हें ये वाली टनल में जाना पड़ेगा, कंफ्यूजन टनल में। उसके बाद तुम्हें एक और रैंप लेके एक और खतरनाक जंप करना पड़ेगा। अरे यार गाइस इतने खतरनाक जंप दद्दू हल्क। फिर पुत्तर जी आगे जाते जाना है, ध्यान रखना यार यहाँ से भी नीचे नहीं गिरना, अगर तुम नीचे नहीं गिरे तो एक और टनल में जाना है। हाँ फिर एक और जंप करना होगा, फिर एक और टनल में जाना होगा।
और पत्थर जी तुम तो समझ रहे हो यार, देखो फिर टनल में से जाके फिर जंप करना है, फिर टनल में जाना है। यार इतने टनलों में जाना ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, पर ठीक है यार। उसके बाद देखो ये जाली में से निकलना है, गाइस ये कैसी खतरनाक जाली है। उसके बद देखो इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे, ये क्या रहा है? पत्थर जी ये तो पूरा पैसे का बना हुआ पहाड़ है, तुमको इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा और ये वाले पर्पल एरिया तक पहुंच के ऊपर जाना पड़ेगा। फिर ये तुम सारे रैंप ऊपर चढ़ते चढ़ते जाओगे तो एंड में तुम्हें यहाँ पे ये बड़ा करने वाली भैंस मिल जाएगी। हो गाइस बहुत ज्यादा तगड़ा चैलेंज है यार, इसमें कितने टनल कितने जंप कितने रैंप लेने, पर यार हम ये सब कर लेंगे और मैं ही कामयाब होऊंगा क्योंकि मुझे ही दूध लेना है। नहीं दूध तो मैं लूंगा, मैं मोटा होके पहचान हो गया, मैं तो एक जायंट मोटा बनूंगा, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं मुझे मेरे इविल काम करने के लिए चाहिए, मैं बनूंगा मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, और मैं छोटा रह के परेशान हो गया हूँ यार, मेरे को चाहिए मिल्क। अरे मेरे पास तो बॉडी नहीं है, मुझे बॉडी चाहिए, जायंट बलून बनूंगा मैं तो। अरे देखते किसमें से होगा। और पत्थर जी तुम्हें क्या लगता है इन पांचों में से कौन जीतेगा? ये चारों में से कोई एक नमूना जीतेगा कि हमारा फ्रैंकलिन जीतेगा? अरे फ्रैंकलिन ही जीतेगा। अरे वो तो पत्थर जी वो तो अभी पता चल जाएगा। चलो सबसे पहले फ्रैंकलिन उतर जाएगा यहाँ पे लास्ट टाइम की तरह। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, मैं लास्ट में जाऊंगा, पहले ये बलून को भेजो उस तरफ से चालू करो। और पत्थर जी क्यों तुम्हें पहले नहीं जाना, रिस्क लेना है? अगर तुमसे पहले कोई जीत गया तो गाय का दूध खत्म हो जाएगा। अरे पहले जाने वाले कभी नहीं जीतते, ये तो मैंने देख लिया क्योंकि रैंप चैलेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बलून को भेजो, बलून को। और पत्थर जी ठीक है यार, तुम्हारी जैसी इच्छा है, बलून जी जाओ। अरे ये फ्रैंकलिन के अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इसको पता नहीं है मैं कितने ज्यादा खतरनाक हूँ, मैं तो जल्दी से जाके इसको हरा दूंगा। ये देखो ये वाली बाइक पे बैठूंगा मेरे बलून के लेके, बल्ले बल्ले शावा शावा, इतना ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को। ये देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये रैंप लेना है, रैंप लेने में क्या मुश्किल काम है यार, जंप ही तो करवाना होता है। अय्या कहाँ पे आके गिर गया, अरे मैं तो ऊपर आके निकल गया। हाँ देखो अभी जबान चला रहा था ना, सिर्फ जंप ही तो लगाना होता, देख पहले जंप में ही फेल हो गया तू तो। अय्या फेल क्या हुआ यार, मैं जंप लगा के आगे आ तो गया, बस वो नीचे के बदले ऊपर आ गया, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अरे अभी आगे नीचे के ऊपर को ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ जंप लगाने का ऑप्शन होता है, समझ रहा है ना? अये यो फ्रैंकलिन तो हमको मत सिखा, हम एक बलून हल्क है, बलून हल्क बहुत स्मार्ट होता है। अरे गाइज ये देखो ये कैसे टर्न ले रहा है, ऐसे टर्न लेगा तो नीचे गिर जाएगा यार, क्योंकि ये तो बिल्कुल रेलिंग का ध्यान नहीं रख रहा। अये यो फ्रैंकलिन भाई तो बहुत बोलता है, बहुत टेंशन लेता है यार, सब रैंप चैलेंज में सिर्फ है ना आगे एक्सेलरेटर दबाते जाने का, कुछ ना कुछ हो जाता और अपने जीत जाते। अरे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता भाई, मैंने बहुत रैंप चैलेंज खेले, ये देखो जा रहा है, ओए ये तो बलून उसमें चला गया हेलीकॉप्टर में। अये यो तो मर गया। गाइस ये देखो यार वो बलून हल्क तो हेलीकॉप्टर में आके है ना पूरा कट के मर गया। अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं थोड़ी ना गुब्बारा हूँ जो फट जाऊंगा। चलो यार यहाँ पे ब्लू कलर वाली मेरी बाइक ले लेता हूँ, ब्लू कलर की बाइक मेरी फेवरेट होती है, फेवरेट। अरे गाइस ये देखो अभी जा रहा है, देखते फेवरेट बाइक लेके अपनी क्या कर पाता है। ये देखो ये छोटू हल्क है, अभी बलून हल्क से तो ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, पर गाइस यार देखो मेरे को नहीं लगता मेरे से ज्यादा कोई स्मार्ट है यहाँ पे। ये देखो इसने जंप तो एकदम परफेक्ट लगाया था, एकदम परफेक्ट टाइम पे बूस्ट लगाया था इसने। अरे फ्रैंकलिन मैं एकदम परफेक्ट हैवी ड्राइवर हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे बचपन से है ना पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि मेरे को दूध कैसे पिलाया जाए उसके लिए। अरे बचपन से मम्मी पापा ने दूध पिला दिया तो अभी तक तो हाइट बढ़ गई होती ना। और तू ज्यादा जबान मत चला, अभी तेरे भैंस को मैं चोरी कर दूंगा। अरे गाइस यार ये देखो यार ये कैसी बात कर रहा है यार ये। ओके यार यहाँ पे आगे जाता जा रहा है, अभी देखते हैं यार वो क्या होगा। गाइस ये देखो छोटू तो यार ढंग से खेल रहा है यार, इसने बूस्ट भी सही से मारी थी यार, मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करूँ क्या? और अब फ्रैंकलिन मुझे तेरी सारी स्ट्रेटजी पता है, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा कैंडी मैन की तरह। यार देख मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं है, यहाँ पे देखो मैंने ब्रेक भी मार दी एकदम तगड़ी से और कंफ्यूजन टनल में जा रहा हूँ मैं तो। अरे यार मेरे को गाइस सच्ची में लगा था यार ये एक्सेलरेटर मार तो सबको पता होता है पर ब्रेक मारना सबको नहीं पता होता। ये देखो ये आगे जा रहा है, ओए ये क्या देखते अभी यहाँ पे कर पता कि नहीं। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे तो ब्रेक मारने का मौका ही नहीं मिला, तौबा रे तौबा। मुझे तो पता ही था कि मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे ही मिलने वाली है, मैं तो ये दूध पी के खुद को जायंट कर लूंगा और मेरे ईविल के कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये देखो मेरे पास तो फर भी है, फर क्या फर के पर भी है, इसके लिए मैं तो सबसे ज्यादा खतरनाक हूँ। और ये देखो एक अच्छा आइडिया मिला था मुझे यहाँ से ऊपर से जाने का, ऊपर से जाऊंगा तो कोई भी मेरे को रिस्क नहीं होगा। अरे यार ये तो गाइस देखो बहुत ही ज्यादा चापलूस और चालाक एनिमी है यार, इसके सामने तो मुझे खतरा है क्योंकि यार ये ईविल है और ईविल लोगों का दिमाग थोड़ा ज्यादा ही चलता होता है और वो तो बहुत ज्यादा प्लानिंग भी करते होते। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, मैंने प्लानिंग कर ली है, जब मैं जायंट ईविल बन जाऊंगा तो मैं कहां कहां बॉम्ब फोड़ूंगा। अरे दद्दूवल किसको क्यों जीतते दे रहे हो तू? और पुत्र जी कोई बात नहीं, अगर ये जायंट बन गया तो तुम इसको मार दोगे ना, तुम्हारे पास भी तो जायंट होने की पावर है। अरे पर मैं लड़ाई करता रहूंगा क्या, और यहाँ पे जो दूध चला जाएगा उसका क्या होगा? मेरे को मेरी हाइट भी तो बढ़ानी है, शिनचैन और सब लोग को प्रूव करना है ना कि मैं सबसे ज्यादा खतरनाक फ्रैंकलिन हूँ, मेरी हाइट सबसे ज्यादा है। और पुत्र जी वो तो अपने फिगर आउट कर लेंगे ना। फ्रैंकलिन तूने गलती कर दी, तुझे पहले जाके रिस्क ले लेना चाहिए था, क्योंकि अब तो मेरी बारी आ चुकी है और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
ये देख, मैं तो यहाँ पे भी आ चुका हूँ और यहाँ पे भी मैंने ब्रेक मार ली एकदम बढ़िया से। गाइस यार कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो आगे गिर जाएगा, कोई ना कोई तो मुश्किल ऑब्स्टेकल आएगा ना जो इसको सॉल्व करना नहीं आता होगा। नहीं, मैं बस हमेशा से प्रैक्टिस करता आया हूँ रैंप में कैसे जीतते हैं। मुझे परफेक्ट जगह पे ब्रेक भी मारना आता है, परफेक्ट जगह पे एक्सेलरेटर भी मारना आता है। अरे नहीं गाइस, ये डेविल है। ओए ओए, बाइक स्लिप हो गई। अरे ओ नो, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है। हे पोपट हो गया प्रैक्टिस का। अले मेली बाली आ गई, चलो जुग जुग जियो। गाइस ये देखो, मेरे को मोटे का तो कोई ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस नहीं, ये पक्का कुछ भी नहीं कर पाएगा। अले क्यों नहीं कर पाऊंगा यार, भले मैं मोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। अरे तू स्मार्ट होता तो मोटा ही नहीं होता ना, तू खुद को अपग्रेड कर लेता पहले से। अले ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ लेजी हूँ, लेजी समझ रहे हो ना, मैं चाहता तो खुद को कब से एक जायंट हल्क में अपग्रेड कर लेता, इसके लिए तो आज यहाँ पे आया हूँ। अभी तुम मेरी इंटेलिजेंस देखोगे। अरे कोई इंटेलिजेंस नहीं है तेरे में, मुझे सब कुछ पता है। ये देखो गाइस, ये बुद्धुओं की तरह आगे जा रहा है, अभी मुझे पूरा विश्वास है इसके ऊपर, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये देखो यहाँ पे जा रहा है और ये गिर जा। अले अले मैं तो नहीं खेलूंगा, मैंने तुम्हें बोला कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, तुम भले मेरी बात नहीं मान लो, देखो इतना आगे तक मैं इजीली आ गया, कोई भी इतना आगे तक इतना इजीली आया तक। गाइस बात तो सही यार, सब जनों को तो बहुत मेहनत हुई थी और ये तो एकदम परफेक्ट रेसिंग लाइंस मेंटेन करके आ रहा है। अरे ये देखो गड़बड़ कर दी इसने। अले गलबल कुछ नहीं करी, ये तो मेरा कैलकुलेटेड मूव था। यहाँ से देखो मेरे को है ना ज्यादा ब्रेक नहीं मारनी पड़ेगी, मैं तो यहाँ पे है ना सिर्फ बूस्ट मार मार के आगे पहुंच जाऊंगा। ओए गाइस ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, देखा यार वो सिर्फ बूस्ट कैसे अपनी गाड़ी को टपक टपक करके आगे लेके चला गया। और ये देखो ये क्या कर रहा है। अले ये देखो यहाँ पे भी है ना, मैं ऐसे पहुंचूंगा वहाँ पे कि मुझे ज्यादा ब्रेक ही नहीं मारनी पड़ेगी। अरे ये मोटा तो गाइस बहुत ज्यादा तेज निकला, मुझे तो लगा था ये ढीला होगा, पर नहीं गाइस ये ढीला नहीं है, तो बहुत ज्यादा तेज है। ये तो सबसे ज्यादा मेरा खतरनाक दुश्मन था जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, और इसने अपने से पहले 3 लोगों को फेल होते हुए देख लिया, तो इसको सारे चैलेंजेस के बारे में पता है। अले हाँ बिल्कुल सही बोला, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कल किया है और मैंने सब लोगों को देख भी लिया, बीते क्यों तो मैं ही बल्ले बल्ले तो मेली होगी। ओ नो गाइस ऐसा नहीं हो सकता, मोटे बाहर गिर जाओ प्लीज। अले ऐसे कैसे बाहर गिलूंगा, ये तो एकदम इजी चैलेंज है। गाइस यार मैं तो इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, ये तो ओवर एस्टिमेट करना चाहिए था मुझे, मैंने सिर्फ इसको मोटा देख के कमजोर समझा। गाइस यार कभी भी अपने अपोनेंट को देख के जज मत करना, ये तो देखो क्या रॉकेट की स्पीड से आगे जा रहा है भाई। अले हाँ मैं तो रॉकेट की स्पीड से ही आगे जाऊंगा ना। अले पल एक सेकंड, ये क्या हो रहा है यार, मेरी बाइक आगे स्पीड में क्यों नहीं जा रही, अरे क्या हो गया। अले लगता है मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। और पुत्र जी ऐसा कैसे हो सकता है, अले दद्दू हल्क मेरा वजन ज्यादा है, इसके लिए बाइक एवरेज कम दे रही थी। अले ये क्या हो गया, ये देखो मेरी गायली तो आगे नहीं जा रही। ओ गाइस ये देखो ये मोटा है ना, तो उसकी बाइक में पेट्रोल जल्दी खत्म हो गया। अले बाइक में तो पेट्रोल खत्म हो गया, कोई बात नहीं मैं दौल के आगे चला जाऊंगा, दद्दू हल्क ऐसा अलाउड थोड़ी है। और पुत्र जी ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक, पर अगर तुम इससे पहले फिनिश लाइन तक पहुंच जाओगे तो यार तुम दूध पी लेना, अले नहीं फ्रैंकलिन तो यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। अरे दद्दू हल्क दूर से पाए लागने का भी टाइम नहीं है, मैं तो यार आगे जल्दी जल्दी से जा रहा हूँ, उसको मोटे से पहले जाना पड़ेगा। ओए पुत्र जी हाँ भागो भागो, अगर उसने भैंस को पकड़ लिया ना तो सारा दूध पी जाएगा, दूध पीने में एक्सपर्ट है ये मोटा। अरे यार सही बोला गाइस, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है ये तो, है ना इतना ज्यादा खाता है ना इसके लिए। चलो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और ये देखो फुल स्पीड में आगे जाऊंगा। ये है ना मेरा हल्क का सूट है मेरे पास, और मेरे पास देखो सबसे अच्छी बात ये कि गाइस मेरे पास जायंट हल्क की पावर है, तो मतलब भले मेरी बॉडी तुम्हें दिख छोटी रही है पर असल में तो मेरे पास बड़े हल्क की पावर है ना, तो इनकेस अगर मैं नीचे भी गिर जाऊंगा ना तो मैं मेरी बड़ी बॉडी की स्पिरिट से है ना ऊपर खुद को पकड़ के लेकर आ सकता हूँ। पुत्र जी ऐसा भी होता है क्या। अरे हाँ दद्दू हल्क ऐसा होता है, देखो ऐसे तो मैं गिरूंगा ही नहीं क्योंकि मैं एकदम ढंग से रैंप का पार करने की कोशिश करूंगा, पर इनकेस यार गड़बड़ कर दी ना तो देखना यार मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की मैं ऐसा कर दूंगा। पुत्र जी चलो देखते यार, वो तो दूध का दूध पानी का पानी अभी हो ही जाएगा। और पुत्र जी ये क्या कर रहे हो यार, तुम ये कैसी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। अरे देखो मैं तो है ना फुल स्पीड वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, वो मोटे हल्क वाली है ना टपक टपक वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल नहीं करी मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं स्लो पहुंचूं क्योंकि वो मोटा सारा दूध पी जाएगा। और पुत्र जी बात तो सही है, मोटा दूध तो पी जाएगा सारा, देखो और वो तो काफी आगे पहुंच चुका है। अरे हाँ ओए 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 ऑलमोस्ट गिर गया था गाइस मैं यहाँ पे नीचे। चलो पर कोई बात नहीं यार, यहाँ पे आगे जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये देखो मोटा बस थोड़ा ही और आगे गया था। अले मत आओ फ्रैंकलिन भैया, मैं तो गाय तक पहुंच गया सारा दूध पी लूंगा। अरे गाइस पर एक सेकंड, ये मोटे की स्पीड तो बहुत कम होगी ना, क्योंकि ये तो दौड़ ही नहीं सकता होगा, इसके तो पैर बहुत छोटे छोटे और ये बहुत मोटा है तो इसकी स्पीड भी कम होगी। अले नहीं फ्रैंकलिन भैया को तो पता चल गया कि मैं दौड़ ही नहीं सकता। ओ मैं समझ गया गाइस, ये सिर्फ मुझे डरा रहा था, ये तो तेज दौड़ ही नहीं पा रहा, तो मुझे ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ओए ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने, ओ नो मैं तो ट्यूब के ऊपर आ गया। अले अब तो फ्रैंकलिन भैया का पोपट हो गया, ट्यूब के ऊपर आ गए, अब तो बहुत ज्यादा रिस्क ही हो गया, टायलेक नीचे ही जाएंगे ये तो। नहीं गाइस कुछ रिस्क नहीं हुआ है, मुश्किल वक्त कमांडो सब एकदम धीमे
निधि में आगे जाना है, क्योंकि मैं आगे चला गया ना तो एक जायंट ग्रीन हल्क टाइटन गॉड बन जाऊंगा मैं। यहाँ पे देखो एक केज के ऊपर जाना है। ओए यहाँ पे तो मेरी बाइक ढंग से चल नहीं रही। रुक जा एक चीज, एक काम कर, तो यहाँ पे से नीचे उतार ले तो। ओके ये देखो मैंने बाइक को नीचे उतार लिया। हाय पत्ता जी बहुत ही बढ़िया काम कर लिया तुमने तो। अले फ्लाइकलिन भैया तो यहाँ तक आ भी गए। मोटा कहाँ पे? ओए उसकी बाइक तो मुझे दिख रही है, मोटे तेरी बाइक दिख रही है। अले तुम्हारी बाइक का भी पेट्रोल खत्म हो जाएगा अभी। अरे नहीं होगा ये देखो यहीं पे खड़ा है, ये तो बिल्कुल भी आगे तक नहीं जा पाया, थक गया था। ये ले उड़ा के मार दिया। हाश ओ चलो गाइस मैं रिलैक्स हो गया, और वैसे भी आगे का रास्ता किसी ने देखा नहीं है तो ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए मेरे को। ये देखो यार यहाँ पे नीचे उतरता, और ये कहाँ पर आ गया यार हम लोग, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे जाते वो पर्पल कलर का रैंप कहाँ पे, मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ ही कहीं पे था। हाँ देखो ये रहा, और ये देखो मुझे इस पे जाना पड़ेगा। ओके 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 पहुंच गया गाइस, बहुत क्लोज हूं मैं मेरे गोल के। ओए पुत्तर जी हाँ यार अब गड़बड़ मत करना वरना खुद को बहुत ज्यादा डांटोगे। अरे हाँ मुझे पता है बहुत ज्यादा डांटूंगा अगर मैं अब आउट हो गया तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये देखो यहाँ पे आ गया। ओके ओके चलो। ओए 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 ऑलमोस्ट नीचे गिर गया था, क्या कर रहा था गाइस मैं, ऊपर देखने के चक्कर में ऑलमोस्ट नीचे गिर गया था। ओए पुत्तर जी पर तुम तो खुद को ऊपर खींच लेते ना। अरे रिक्स नहीं लेने का दद्दू हल्के, देखो यहाँ पे पहुंच गया। आओ दद्दू पी लो। अरे हाँ पी रहा हूँ। नम 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 नम। ओ माय गॉड गाइस ये देखो मैं तो एक जायंट टाइटन गॉड ओपी ग्रीन हल्क बन चुका हूं। आए पत्थर जी वेरी नाइस देखो यार क्या कर लिया तुमने तो। अरे हाँ गाइस देखो मेरी हाइट तो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, कांगे लिटिल सिंगम। अरे हुड़ दबंग फ्रैंकलिन तू मेरे से ज्यादा लंबा हो गया, तू ज्यादा अच्छा। अरे बल्ले बल्ले से भी लंबा हो गया, मैं भी हार मानता। पिंकी भाई तुम तो सबसे ज्यादा लंबे और खतरनाक हो गए, टाइटन गॉड जितने ही बन गए। अरे कीड़े हमको भी मानना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अपग्रेड कर लिया तूने, तू सबसे बेस्ट है, तूने तेरा टॉल मीटर भी भर लिया। तो गाइस देखो अब ये सब ने तो मान लिया कि मैं बेस्ट हूँ, तो तुम भी मान लो कि मैं बेस्ट हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बेस्ट लिख देना, और जो स्क्रीन पे बेस्ट वीडियो आ रहा है ये भी देख लो। चलो मैं मिलूंगा तुम्हें जीटी फ्लैग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।